Clap. Yo. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टूर एंड टेस्ट इन कनाडा। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और मीठी से रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, बॉम्बे बेकरी कॉफ़ी केक, जिसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं। टू स्टेप हैं इसके, एक स्पंज, दूसरा आइसिंग। ये सारे इंग्रेडिएंट्स स्पंज के लिए हैं और ये आइसिंग के लिए। स्पंज के लिए मैंने यहाँ पर लिया है मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लावर 100 ग्राम्स या 1 कप, उसमें से 2 टेबलस्पून कम कर लिया था। कैस्टर शुगर 1/3 कप, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बटर 100 ग्राम, 2 एग्स रूम टेम्परेचर के, वनीला एसेंस या एक्सट्रैक्ट 1/2 टीस्पून, कॉफ़ी 1 टीस्पून, जो हमें 2 टेबलस्पून पानी में मिक्स करके यूज़ करना है। और ये सारा हमारे स्पंज का सामान है। आइसिंग के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम आइसिंग शुगर, 100 ग्राम मक्खन बटर, कॉफ़ी 1 टीस्पून, जो 1 टेबलस्पून वाटर में मिक्स करके हमें आइसिंग के लिए चाहिए। और यहाँ पर मैंने बेकिंग पैन पे बटर पेपर लगा के उसको ग्रीस कर लिया है। तो चलिए हम अपना स्पंज तैयार करते हैं। सबसे पहले हम मक्खन को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। और यहाँ पर हम मक्खन सॉफ्ट होने के बाद कैस्टर शुगर मिलाकर थोड़ा सा इसको बीट कर लेंगे। यहाँ पर मोटी चीनी इस्तेमाल नहीं करनी है, यहाँ पर आपको बारीक चीनी इस्तेमाल करनी है। अंडा जो है 1/1 शामिल करके उसको बीट करते जाएंगे। यहाँ पर आपको टूर एंड टेस्ट का फेसबुक का पेज भी नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ पर भी जाके आप नए मेरे सारे रेसिपीज़ की अपडेट ले सकते हैं। ये देखें, बहुत अच्छा सा ये मिक्स हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम कॉफ़ी को 2 टेबलस्पून वाटर में मिक्स करके इसको भी मिक्सचर में मिला लेंगे। बहुत अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है कॉफ़ी की, हम इसको इस मिक्सचर में बीट कर लेते हैं। यहाँ पर हम वनीला एसेंस भी अपना मिक्स कर लेंगे। आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम का भी लिंक नज़र आ रहा होगा, प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, वहाँ पर भी आपको मेरी नई रेसिपीज़ की सारी अपडेट्स मिलेंगी। अब मैदे में या फ्लावर में हम बेकिंग पाउडर मिक्स कर लेते हैं और इसको इस मिक्सर में डाल के हम फोल्ड कर लेते हैं। इसमें बीट नहीं करना है, इसको बस इस तरह से फोल्ड कर लेना है, ये मिक्स मिला लेना है अच्छी तरीके से। ये देखें, ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। इसको सॉफ्ट हैंड से बस इस तरह से मिला लें। अब हम इसको अपने बेकिंग पैन में डाल देते हैं। और इस तरह से फैला देते हैं। थोड़ा सा इसको टैप भी कर लीजिएगा ताकि जो हवा वगैरह है वो निकल आए और ये सरफेस से बिल्कुल फ्लैट रहे। ये देखें, इस तरीके से इसको टैप कर लें। अवन को मैंने 350 फ़ारेनहाइट पे ऑलरेडी प्री हीट किया हुआ था, तो अब इस पे हम केक को 40-45 मिनट्स बेक करेंगे। तब तक हम अपनी आइसिंग तैयार कर लेते हैं। मक्खन को हम इतना बीट करेंगे कि एक फ्लफी सा अच्छा सा टेक्स्चर आ जाए इसका। ये देखें, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके आइसिंग शुगर शामिल करेंगे। रहेगी हमें आइसिंग के लिए आइसिंग शुगर ही यूज़ करनी है, कोई नॉर्मल चीनी नहीं यूज़ करनी। अब हम कॉफ़ी में 1 टेबलस्पून पानी मिलाकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस आइसिंग में शामिल कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे। बहुत ही मज़े की कॉफ़ी की खुशबू आ रही है। ये देखें, मज़ेदार सी आइसिंग तैयार हो गई है। तो अब हम इसे पाइपिंग बैग में फिल कर लेंगे। ना भी हो तो आप इसको एज इट इज़ रहने दे सकते हैं, फ्रिज में रख दें, और जब केक पे स्प्रेड करना हो तो एज इट इज़ भी आप स्प्रेड कर सकते हैं। अब ये हम फ्रिज में रख देते हैं। हमारा स्पंज भी बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हम टूथपिक से चेक कर लेते हैं। ये देखें, बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब हमारा स्पंज भी रेडी है।
ये देखें जनाब, हम इसका सिर्फ ऊपर से जो गोलाई का हिस्सा है वो काट लेंगे और इसका बिल्कुल प्लेन सरफेस कर देंगे। ये भी हमने यूज़ करना है, वेस्ट नहीं करना। तरीका भी बताती हूँ आपको, हम बीच से इसके कट कर लेंगे केक को, ये देखें। अब निचली बेस पे हम जो है वो शुगर सिरप लगा लेंगे, थोड़े से पानी में थोड़े से शुगर मिला के पका के, और इस तरह से सिरप तैयार हो जाता है। अब हम फ्रॉस्टिंग इस पे फैला लेते हैं अपनी, इसको अच्छी तरह से हम स्प्रेड कर लेंगे। दूसरा हिस्सा रखकर इस पे भी हम शुगर सिरप लगा लेंगे और आइसिंग अच्छी तरह से फैला लेंगे। आइसिंग को स्प्रेड करने के बाद इस पे आप अपना बेकिंग टूल जो होता है, स्क्रेपर है, किसी भी चीज़ से इस तरह से डिज़ाइन बना लें, ना हो तो फोर्क से कर लें। और आपके पास जो शुरू में जो स्पंज का टुकड़ा निकला था उसको ज़ाया नहीं करना, उसको आपने चूरा बना के डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि पिसा हुआ खोपरा उसके साथ मिक्स करके साइडों पर अच्छी तरह से लगा लेना है इसको। ये ना जनाब, मज़ेदार सा आपका बॉम्बे बेकरी कॉफ़ी केक तैयार है। इसके ऊपर आप चेरी से जो है डेकोरेट कर लें। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टूर एंड टेस्ट इन कैनेडा। मज़ेदार सा बॉम्बे बेकरी कॉफ़ी केक तैयार है, एंजॉय कीजिए विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। चलिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।